दोस्तों ये देखेंगे आप तो तोंदवा गली में हम, जहाँ पर इस समय एक लंबा ट्रैफिक जैम आपको देखने को मिलेगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वन वे है। वन वे की वजह से ये ट्रैफिक जैम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, सिर्फ एक वजह है, वन वे, और सिर्फ रास्ता ऊपर से के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं वो गलत करते हैं, वन वे होने के बावजूद भी जो है आप देखेंगे किस तरह से रॉन्ग पार्किंग यहाँ पर की गई है। देखेंगे किस तरह से गाड़ियाँ नीचे से, वन वे है और फिर उसके बावजूद भी नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये दिक्कत कहीं ना कहीं बनती है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर इस तरह की ही चीज़ें वो करते रहेंगे तो इस हिसाब से कुछ सुधरने वाला नहीं। अब देखो ये ऑटो वाला आ रहा है, इलेक्ट्रिक ऑटो है, इस चीज को सुधारने की जरूरत है भाई। देखो अब नीचे से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, ये देखो कितनी गाड़ियां आती हैं इस हिसाब से, मगर कोई देखने वाला नहीं। ये देखो रॉन्ग पार्किंग में कैसे किस तरह से रोड पे गाड़ियां पार्क कर दी गई हैं। देखिए किस तरह से पार्क की गई हैं रोड पे ही गाड़ियां, ये देखिए बीच में रुक गए हैं जनाब। समझ नहीं आता यार किस तरह की ड्राइविंग करते हैं यहाँ के लोग। ये देखिए किस तरह से लॉन्ग, ये देखो एक गाड़ी और, ये देखो अब देखो पूरा एक यहाँ पर जूंगा, अब देखना जूंगा, एक तरफ से रॉन्ग पार्किंग है, दूसरी तरफ से वन वे में भी गलत कर रहे हैं, गलत घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो भाई सब, ये तस्वीरें हैं तोंदवा रोड की, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल के लिए भी, इमरजेंसी के लिए इसे ज़रूर खोला जाता है, कोई एम्बुलेंस आती है, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से लोग धड़ल्ले से रॉन्ग पार्किंग, और किस तरह से गाड़ियां जो है वो वन वे में आती हैं। देखिए और कोई आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, कोई पुलिस का कर्मी देखने को नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक का कर्मी देखने को नहीं मिलेगा इस जगह पे। देखिए पूरा चौक आप देख सकते हैं, कोई कर्मी नहीं देखने को मिलता है। ये सिर्फ कमी जो है, ये कमी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जो है वो ट्रैफिक विभाग का है, और इसके अलावा मैं बात करूँगा तो पुलिस का भी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट ज़रूर दिखता है, कि कोई भी ड्यूटी नहीं दे रहा है। वन वे में गाड़ियां किस तरह से घुस रही हैं, किस तरह से रॉन्ग पार्किंग्स हैं, डोड़ा का क्या हाल बना के रखा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। ये इस तरह की तस्वीरें जो है ना, ये हमें देखने को मिल रही हैं, धड़ल्ले से रॉन्ग पार्किंग्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और तोंदवा का जो मैंने आपको हाल दिखाया, आप भी बताओ क्या है, क्या करना चाहिए, किस तरह से सुधार इसका हो सकता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, किस तरह से ऑटो रोड में रुके हुए हैं, किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो रॉन्ग पार्किंग में हैं। आप देखेंगे पूरा सिस्टम खराब है। ये देखिए कोई कहीं से भी मुड़ रहा है, कहीं से भी निकल रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें जो आप देखते हैं, ये तस्वीरें हैं, ये डोड़ा की हैं, ये डोड़ा का हाल है जनाब, ये हाल देख रहे हैं आप डोड़ा का, देख सकते हैं आप बेखूबी किस तरह से। गलत जगह मोड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, देखिए अब देखिए ऑटो कहाँ पर रुका हुआ है जनाब,
बाकी छोड़िए ऑटो को देखिए, बीच रोड में अपनी तरफ से बीच रोड में रुका हुआ है, ये देखिए बीच रोड में, कोई पूछने वाला नहीं, ये देखिए बीच रोड में गाड़ियां रुक जाती हैं जनाब। ये तस्वीरें हैं, ये तो घंटाघर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर भी कोई आपको ट्रैफिक का विभाग का कर्मी समय देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये देखिए किस तरह से मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको, पूरी तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से पूरी तरह मिसमैनेजमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, धड़ल्ले से मिसमैनेजमेंट ही बोलेंगे। किस तरह से गाड़ियां जो है रॉन्ग पार्किंग में हैं, ये देखिए किस तरह से गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, आड़ी टेढ़ी जैसी मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं, वैसा चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें देख के कहीं ना कहीं दुख लगता है, आखिरकार क्या है, क्या किस तरह से लोग कभी समझदारी दिखा पाएंगे। ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये चंद लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। देखना एक लाइन आगे से लगी है, दूसरी इधर से लगा ली है गाड़ियों की, ठीक है इस तरफ से भी, इस तरफ से डबल लाइन। अब देखिए क्या कह सकते हैं आप इस बारे में, कुछ नहीं। ये देखिए ये रॉन्ग पार्किंग है, ये कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। आप अपनी राय जरूर रखना इस पे कि किस तरह से सुधार किया जा सकता है।